Hello, I am Shahnawaz and today we are continuing units and measurement, and in this part 7 video lecture we are going to discuss about measurement of mass and measurement of time. Yes, इस lecture में हम discuss करेंगे measurement of mass के बारे में and measurement of time के बारे में. So, mass and time both are the very much associated with our daily routine life. हम हमारी डेली रूटीन लाइफ में जब भी किसी पर्टिकुलर मटेरियल का यूज़ करते हैं तो कहीं ना कहीं वो मास से एसोसिएटेड होता है. इट मींस कि मास हर किसी पर्टिकुलर मटेरियल का एक फिक्स प्रॉपर्टी है. आप कभी भी कोई चीज़ परचेज करते हैं, कोई चीज़ सेल आउट करते हैं, कोई सी चीज़ का यूज़ करते हैं तो हमेशा उसकी एक फ़िक्स क्वान्टिटी का यूज़ आप करते हैं. डेफिनेटली इसी तरह से टाइम भी हमारे लाइफ के हर मोमेंट से जुड़ा हुआ है. कहीं ना कहीं टाइम का यूज़ हमारी लाइफ में बहुत ज़्यादा मायने रखता है. सो मेज़रमेंट ऑफ टाइम एंड मेज़रमेंट ऑफ टाइम, ये बेसिकली दो ऐसे टर्म्स हैं जो बहुत ज़्यादा यूज़फुल हैं हमारे लिए या हमारी डेली रूटीन लाइफ के लिए. सो इस लेक्चर में जो स्पेशल होने वाला है वो ये है कि अगर हम मास और टाइम को एटॉमिक लेवल पर या प्लेनेटरी लेवल पर बात करें, इट मींस कि मैं एटॉमिक लेवल पर मास किसी पर्टिकुलर एटम का कितना होगा या टाइम एटॉमिक लेवल पर कितना होगा, या फिर हम प्लेनेटरी लेवल की बात करें वहाँ पर मास कितना होगा, वहाँ पर टाइम कैलकुलेशन किस तरह से होगा, तो उसके लिए हम कौन कौन सी मेथडोलॉजी का यूज़ करेंगे, किन टेक्निक्स का यूज़ करेंगे, क्या उस लेवल पर मेजरमेंट ऑफ मास एंड टाइम डायरेक्टली पॉसिबल हो पाएगा या फिर कोई इनडायरेक्ट मेथड उसके लिए यूज़ होगी, तो चलिए इन सारे क्वेश्चंस के आंसर आज हम पता करने वाले हैं इस लेक्चर में. तो ध्यान से देखिएगा इस लेक्चर को, बहुत ही मज़ेदार लेक्चर है आज का. सो मेज़रमेंट ऑफ मास, मास इज़ अ बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर. हम जानते हैं मास इज़ अ बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर. किसी भी मैटर की बेसिक प्रॉपर्टी होती है मास. ये बताता है कि किसी मैटर में, किसी मटेरियल में उसकी क्वांटिटी कितनी है, उसकी वैल्यू कितनी है. सो ये मास इसकी एक बेसिक प्रॉपर्टी हो जाती है. इसके बारे में सबसे ख़ास बात होती है इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ लोकेशन. ये लोकेशन इंडिपेंडेंट होता है. आप किसी भी मटेरियल को एक जगह से दूसरी जगह ले जाइए, इसका मास कभी भी चेंज नहीं होगा. इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ द लोकेशन. एंड अगेन स्पेस, किसी भी स्पेस में आप लेकर जाइए, इसको हवा में रखिए, किसी पर्टिकुलर मटेरियल के साथ में रखिए, हमेशा किसी भी मटेरियल का या मैटर का मास हमेशा फिक्स होता है. अगेन फिजिकल कंडीशंस लाइक द टेम्परेचर एंड प्रेशर. हम कोई भी पर्टिकुलर मटेरियल का जो मास होता है वो टेम्परेचर और प्रेशर से हमेशा परे होता है, या इसको मोर करेक्टली मैं इस तरह से कहूँ कि टेम्परेचर और प्रेशर के इफ़ेक्ट से परे होता है. इट मीन्स कि किसी भी मटेरियल का मास किसी भी टेम्परेचर कंडीशन पर नहीं बदलता, किसी भी प्रेशर कंडीशन पर नहीं बदलता. वो ऑलमोस्ट फिक्स होता है हर पर्टिकुलर प्रेशर एंड टेम्परेचर वैल्यू के लिए. मे बी पॉसिबल कि मटेरियल का ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है एक स्टेट से दूसरे स्टेट में, बट अगर आप कंसोलिडेटली देखेंगे तो टोटल मास जो होता है वो हमेशा फिक्स होता है. और अगर मैं बात करूँ मेज़रमेंट के लिए, तो डेफिनेटली यहाँ पर एक यूनिट की ज़रूरत होती है, और SI यूनिट फॉर मेज़रमेंट ऑफ मास इज़ अ किलोग्राम. हमेशा मास को मेज़र किया जाता है किलोग्राम में, बट इसके अलावा CGS यूनिट इसकी ग्राम भी है, एंड MKS यूनिट इसकी पाउंड भी है. सो बट नॉर्मली हम यूज़ करते हैं किलोग्राम KG. मास ऑफ द मोस्ट ऑफ द ऑब्जेक्ट इन आवर डेली लाइफ कैन बी मेजर्ड यूजिंग द कॉमन बैलेंस दैट वी कैन सी इन सेवरल शॉप्स. यस, इस तरह के बैलेंस आपने देखे होंगे किसी शॉप में. इस तरह का मैकेनिकल बैलेंस हो सकता है, या फिर इस तरह का कोई हैंगिंग बैलेंस हो सकता है, या फिर इस तरह का कोई इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस हो सकता है, इस तरह का कोई बैलेंस हो सकता है, इस तरह का बैलेंस हो सकता है, इस तरह का स्प्रिंग बैलेंस हो सकता है. सो इस तरह के बैलेंसेस नॉर्मली यूज़ होते हैं शॉप्स में जब आप किसी मटेरियल के मास को मेज़र करना चाहते हैं. इसके अलावा स्पेशल बैलेंसेस आर यूज्ड बाय द ज्वेलर्स टू मेज़र द मास ऑफ वैल्यूएबल लाइक गोल्ड्स मोर प्रिसाइसली. ठीक है, तो जब हम बात करते हैं मोस्ट वैल्यूएबल थिंग्स की लाइक दोस गोल्ड एंड सिल्वर, सो इनके मेज़रमेंट के लिए बहुत ज़्यादा प्रिसाइज बैलेंसेस की ज़रूरत होती है जो इस तरह के होते हैं. नॉर्मली किसी ज्वेलर्स की शॉप में ये अवेलेबल होते हैं इस तरह के बैलेंसेस. सो ये बहुत ज़्यादा प्रिसाइज होते हैं, बहुत ज़्यादा एक्यूरेट होते हैं, इसीलिए इनका यूज़ वैल्यूएबल थिंग्स, वैल्यूएबल मटेरियल लाइक सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम को मेज़र करने के लिए किया जाता है. अब अगर हम बात करें मेज़रमेंट ऑफ मास एट द एटॉमिक लेवल, एटॉमिक लेवल इट मीन्स हम किसी एटम के मास को कैलकुलेट करना चाहते हैं. हम अगर बात करें किसी पर्टिकुलर एटम की, तो एटम का
जो साइज होता है एटम का साइज होता है लगभग 10^-10 मीटर के आसपास या इसके ऑर्डर का। अब अगर मैं बात करूं एटमिक मास की कि किसी पर्टिकुलर एटम का मास कितना होगा, तो आपको जानकर बहुत हैरत होने वाली है। किसी एटम का मास होता है ऑर्डर ऑफ 10^-27 किलोग्राम। इतना छोटा, 10^-27 किलोग्राम। अब इतना छोटा मास या इतनी कम वैल्यू का मास किसी नॉर्मल बैलेंस से तो मेज़र करना पॉसिबल है नहीं। आप ज्वेलर्स की शॉप वाला एक्यूरेट बैलेंस भी यूज़ कर लेंगे तो भी इतना छोटा मास कैलकुलेट करना पॉसिबल नहीं है डायरेक्टली यूजिंग द बैलेंसेस। सो क्या होता है, इस तरह के मास को मेज़र करने के लिए कुछ टेक्निक्स अडॉप्ट की जाती है, कुछ स्पेशल टेक्निक्स होती हैं जिनकी मदद से एटमिक लेवल का या किसी पर्टिकुलर मटेरियल के अंदर मौजूद एटम का मास कैलकुलेट किया जाता है, जिसका वैल्यू ऑर्डर ऑफ 10^-27 किलोग्राम होता है। नॉर्मली एटमिक लेवल पर जो मास कैलकुलेट किया जाता है उसको किलोग्राम में मेज़र ना कर उसको एटमिक मास यूनिट AMU में मेज़र किया जाता है। AMU एंड 1 AMU की जो वैल्यू होती है वो होती है लगभग 1.66 × 10^-27 किलोग्राम। इतना छोटा साइज होता है किसी पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ द एटम की। तो यहाँ पर इसलिए इतनी छोटी वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए स्पेशल यूनिट AMU एटॉमिक मास यूनिट का यूज़ किया जाता है। सो जैसा मैंने कहा, डायरेक्ट मेजरमेंट तो पॉसिबल है नहीं एटॉमिक मास यूनिट का या एटम का या एटॉमिक लेवल पर मास मेजरमेंट का। सो इसके लिए यूज़ की जाती है कुछ स्पेशल टेक्निक्स। सो व्हेन अ चार्ज पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड इनसाइड द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड देन इट फॉलोज द सर्कुलर पाथ। ठीक है, अगर कोई स्ट्रांग मैग्नेटिक फील्ड है, सपोज़ कोई स्ट्रांग मैग्नेटिक फील्ड है, ये नॉर्थ पोल और साउथ पोल, इसके अंदर किसी चार्ज पार्टिकल को आपने थ्रो किया, तो जब ये इस पर्टिकुलर मैग्नेटिक फील्ड में एंटर होता है तो ये सर्कुलर पाथ फॉलो करता है, इस तरह का सर्कुलर पाथ फॉलो करता है। सो सर्कुलर पाथ की जो रेडियस होती है, रेडियस ऑफ द ट्रैजेक्ट्री फॉलोड बाय द सच चार्ज पार्टिकल इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड इज प्रोपोर्शनल टू द मास ऑफ द पार्टिकल। उस पर्टिकुलर सर्कुलर पाथ की जो रेडियस होगी, इस सर्कुलर पाथ की जो रेडियस होगी, वो रेडियस इस पर्टिकुलर पार्टिकल जो सर्कुलर पाथ अडॉप्ट कर रहा है इसके मास के प्रोपोर्शनल होगी। इट मीन्स कि जितना ज़्यादा भारी पार्टिकल होगा, जितने ज़्यादा मास वाला पार्टिकल होगा, उसके सर्कुलर पाथ की रेडियस उतनी ज़्यादा बड़ी होगी। सो थस बाय मेजरिंग द रेडियस ऑफ ट्रेजेक्ट्री फॉर अ गिवन स्पीड ऑफ पार्टिकल्स वी कैन एस्टिमेट द मास ऑफ दीज पार्टिकल। ठीक है, सो इस तरह से हम उस पाथ की रेडियस का पता लगाकर, उस सर्कुलर पाथ की रेडियस का पता लगाकर किसी भी पर्टिकुलर पार्टिकल जो उस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनवायरनमेंट में मोशन कर रहा है उसके मास का पता लगा सकते हैं, जबकि हमें उस पर्टिकुलर पार्टिकल की वेलोसिटी का अंदाज़ा हो, उस पर्टिकुलर पार्टिकल की वेलोसिटी के बारे में पता हो। इट मींस कि हमें अगर वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल पता है तो डेफिनेटली उसके सर्कुलर पाथ की रेडियस को कैलकुलेट करके हम उस पार्टिकल के मास को कैलकुलेट कर सकते हैं। सो वी कैन अंडरस्टैंड दैट डायरेक्ट मेजरमेंट ऑफ मास इज़ नॉट पॉसिबल एट द एटॉमिक और सब एटॉमिक लेवल। सो मेज़रमेंट ऑफ द मास एट द प्लेनेटरी लेवल की अगर हम लोग बात करें, देखिए अभी हमने बात की एटॉमिक लेवल पर, इट मींस कि इतने छोटे लेवल पर 10^-27 किलोग्राम लेवल पर, -27 किलोग्राम लेवल पर। अब अगर मैं बात कर रहा हूँ प्लेनेटरी लेवल पर, इट मींस मैं बात कर रहा हूँ लगभग 10^-27 to 10^-26 किलोग्राम के लेवल पर। इतना बड़ा लेवल ऑफ मास। ठीक है, इट मींस -27 से +27 तक, 10^-27 से 10^+27 तक की मैं बात कर रहा हूँ, या फिर मैं बात कर रहा हूँ किसी अर्थ की, सपोज़ तो अर्थ का जो मास होता है वो ऑर्डर ऑफ 10^-24 किलोग्राम होता है। सो इतने बड़े
मास लेवल पर अब हमें कैलकुलेशन करना है। तो सिंपली सिंपल थिंग है, कोई डायरेक्ट मेजरमेंट तो पॉसिबल है नहीं कि अर्थ को उठाकर किसी बैलेंस में रख दिया और उसको तोल लिया। सो डेफिनेटली इट्स ऑल्सो एन अमेजिंग थिंग टू कैलकुलेट दिस ह्यूज ही मास ऑफ द प्लेनेट। सो डायरेक्ट मेथड कैन नॉट बी यूज टू मेजर द मास ऑफ द सम प्लेनेट और मून। वी कैन यूज ग्रेविटेशनल मेथड टू मेजर द मास ऑफ द सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट। यस, सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट को कैलकुलेट करने के लिए, सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट के मास को कैलकुलेट करने के लिए हमें ग्रेविटेशनल मेथड की मदद लेनी होगी, या ग्रेविटेशनल मेथड का यूज़ करके हम उनके मास का पता लगा सकते हैं। सो ग्रेविटेशनल मेथड हमने प्रीवियस क्लासेस के अंदर पढ़ा है, 9th में भी पढ़ा है, 10th में भी पढ़ा है। जब हम ग्रेविटेशन की बात करते हैं तो हमें पता होता है कि दो पार्टिकल्स जो एक दूसरे से r डिस्टेंस पर हैं, दो पार्टिकल्स हैं सपोज़, जो एक दूसरे से सपोज़ r डिस्टेंस पर हैं, इनमें एक अट्रैक्शन होता है, एक ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन होता है। ठीक है, ये ग्रेविटेशनल फोर्स दिया जाता है बेसिकली जी, जो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, मल्टीप्लिकेशन ऑफ द मासेस ऑफ द टू बॉडीज एंड स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द टू बॉडीज़, इसके फार्मूले का हम नॉर्मली यूज़ करते हैं। और जब हम प्लेनेटरी लेवल पर बात करते हैं तो ये वाला फार्मूला जो होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि ये बेसिकली फोर्स है जो सेंट्रिपिटल फोर्स को डिफाइन करता है, या किसी पर्टिकुलर ऑर्बिटिंग बॉडी के लिए जो स्पेसिफिक रिक्वायर्ड फोर्स है, सेंट्रिपिटल फोर्स जो उसको एक सर्कुलर मोशन में बांधे रखता है, उस फोर्स के बारे में ये डेफिनेशन डिफाइन करता है, ये फोर्स एफ। सो बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला हो जाता है उस केस में ये। और इसके अलावा वो जो ऑर्बिटिंग बॉडी है, उस ऑर्बिटिंग बॉडी का जो टाइम पीरियड होता है, ऑब्वियसली उस टाइम पीरियड का स्क्वायर उस ऑर्बिटिंग बॉडी के ऑर्बिट की रेडियस के क्यूब के प्रोपोर्शनल होता है, जो केपलर्स थर्ड लॉ कहता है। ये सब हम प्रीवियस क्लासेस के लेक्चर्स में देख चुके हैं। सो बहुत इम्पॉर्टेंट रिलेशन होते हैं ये दो इम्पॉर्टेंट रिलेशन, जिनका यूज़ किया जाता है जब आप किसी ऑर्बिटिंग बॉडी के मास को कैलकुलेट करना चाहते हैं। अगर उस ऑर्बिटिंग बॉडी के मास को आप कैलकुलेट करना चाहते हैं तो आप उस ऑर्बिटिंग बॉडी के ऑर्बिट की रेडियस का पता लगा लीजिए, उसके टाइम पीरियड का पता लगा लीजिए। डेफिनेटली आपको यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट पता होता है, इस केस में आप इस तरह के मासेस को कैलकुलेट कर सकते हैं। थस वी कैन एस्टिमेट द मास ऑफ द सन बाय यूजिंग द टाइम पीरियड ऑफ द प्लैनेट। ठीक है, हम सन के मास को भी कैलकुलेट कर सकते हैं बाय यूजिंग द टाइम पीरियड्स ऑफ प्लैनेट्स। सन के अराउंड हम जो प्लैनेट्स हैं वो रिवॉल्व होते हैं, सभी का टाइम पीरियड भी अलग अलग है। सो उनके अलग अलग टाइम पीरियड पर हम कैलकुलेट करके सन का मास का कैलकुलेशन भी कर सकते हैं। सिमिलरली एस्टिमेट ऑफ द मास ऑफ द प्लेनेट कैन बी डन विद द हेल्प ऑफ टाइम पीरियड ऑफ द मून ऑर्बिटिंग अराउंड इट। ठीक है, सो एस्टिमेट ऑफ द मास ऑफ द प्लेनेट, अगर हम किसी पर्टिकुलर प्लेनेट के मास का कैलकुलेशन करना चाहते हैं, सो हम उस प्लेनेट के अराउंड जो मून रिवॉल्व हो रहा है, उस मून के टाइम पीरियड को कैलकुलेट करके, उस मून के टाइम पीरियड को कैलकुलेट करके भी हम उस बॉडी के, उस प्लेनेट के मास को कैलकुलेट कर सकते हैं। बिल्कुल इसी तरह से कि सपोज लेट अस कंसीडर दिस इज़ अ अर्थ एंड अराउंड द अर्थ मून इज़ रिवॉल्विंग, सो दिस इज़ अ मून। सो अगर मुझे पता है कि इस मून का रिवॉल्यूशन टाइम पीरियड टी कितना है, डेफिनेटली मुझे इस मून से अर्थ के बीच की डिस्टेंस भी पता है, दैट इज़ अ रेडियस। सो अगेन अभी जो हमने फार्मूले डिस्कस किए थे, उन फार्मूलेज की मदद से मैं इस अर्थ के मास को कैलकुलेट कर सकता हूँ, जबकि मुझे मून का मास पहले से पता है। तो चलिए मेजरमेंट ऑफ मास के बाद अब बारी आती है मेजरमेंट ऑफ टाइम की। यस, मेजरमेंट ऑफ टाइम। सो देयर आर मैनी नेचुरल पीरियोडिक फिनोमिना टेकिंग द प्लेस अराउंड अस। ठीक है, बहुत सारे नेचुरल ऐसे फिनोमिना हैं जो हमारे आसपास होते हैं, लाइक डे एंड नाइट, दिन और रात का बदलना, अलग अलग सीजन्स का आना, विंटर सीजन्स का आना, समर सीजन्स का आना, एटम का आना, इस तरह से अलग अलग सीजन्स का आना, या फिर किसी पर्टिकुलर हैपनिंग का होना, किसी पर्टिकुलर ऑकरेंस का होना, ये सारी चीज़ें कभी कभी हम काउंट करते हैं टाइम के मेज़रमेंट में। ठीक है, सो टाइम का मेज़रमेंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ज़रूरी नहीं कि आप सिर्फ और सिर्फ वॉच की मदद ही लें, आप सिर्फ और सिर्फ अपने एक्सटर्नल इन्वायरमेंट को देखकर, उसे ऑब्जर्व करके, जैसे फॉर एग्जांपल अंधेरा हो गया तो हम कहेंगे रात हो चुकी है, सूरज डूब चुका है, डेफिनेटली अभी ज़रूर इतना समय हो रहा होगा।
अगर दिन निकल गया तो हम बोलेंगे कि बेसिकली सनराइज़ हो चुका है, अभी शायद हो सकता है इतना टाइम हो गया हो या अभी इतना टाइम बाद रात हो जाएगी। सपोज़ अभी समर सीज़न चल रहा है तो हमें एक अंदाज़ा होता है कि इतने दिन का समर सीज़न है, इतने महीने का समर सीज़न है, इसके इतने महीनों के बाद जो है वो विंटर लगेगा। सो इस तरह के ऐसे बहुत सारे मेज़रमेंट जो हैं वो हम सिर्फ और सिर्फ अपने आसपास हमारे सराउंडिंग जो नेचुरल हैपनिंग्स हैं, जो नेचुरल ऑकरेंस हैं, उनको देखकर उनका अप्रोक्सीमेशन करके लगा पाते हैं। सो देयर आर द सो मैनी टाइप्स ऑफ क्लॉक्स एंड वॉचेस टू कीप द ट्रैक ऑफ टाइम। इसके अलावा भी हमारे पास ऐसी बहुत तरह की क्लॉक्स हैं, वॉचेस हैं, जिनकी मदद हम लेते हैं टाइम को मेज़र करने के लिए। सो इस तरह की वॉचेस जो नॉर्मली हम यूज़ करते हैं, जो हमें मेज़रमेंट ऑफ टाइम शो करती है आवर्स में, मिनट्स में, सेकेंड्स में, सो ये आवर्स, मिनट्स एंड सेकेंड्स जो होते हैं वो बेसिकली टाइम मेज़रमेंट की सबसे स्पेसिफिक यूनिट्स हैं। सो मेज़रमेंट ऑफ टाइम फॉर एनी नेचुरल और आर्टिफिशियल फिनोमिना डिफाइंस द ड्यूरेशन ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ दैट फिनोमिना। यस, किसी पर्टिकुलर फिनोमिना के एग्जिस्टेंस की जो ड्यूरेशन है, किसी फिनोमिना के एग्जिस्टेंस की ड्यूरेशन बेसिकली मेज़रमेंट ऑफ टाइम को डिफाइन करती है। फॉर एग्जांपल बारिश हो रही है 2 घंटे तक, तो डेफिनेटली बारिश 2 घंटे तक एग्जिस्ट रही इन्वायरमेंट में और इसी को आपने मेज़र किया, तो ये बेसिकली मेज़रमेंट ऑफ टाइम हो गया। सो मेज़रमेंट ऑफ टाइम फॉर एनी नेचुरल और आर्टिफिशियल फिनोमिना डिफाइंस द ड्यूरेशन ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ दैट फिनोमिना। SI यूनिट ऑफ मेज़रमेंट की हम बात करें तो SI यूनिट ऑफ मेज़रमेंट इज़ अ टाइम, ऑफ टाइम इज़ अ सेकेंड। ठीक है, इन केस ऑफ द क्वार्ट्ज रिस्ट वॉच जो हम नॉर्मली हमारी कलाई में बांधते हैं, दैट इज़ अ रिस्ट वॉच, और वो बेसिकली उसमें जो टाइम मेज़रमेंट हो पाता है वो एक क्वार्ट्ज क्रिस्टल की मदद से हो पाता है जो फिजियो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पे काम करता है। इन केस ऑफ द क्वार्ट्ज रिस्ट वॉच वी यूज़ स्मॉल क्वार्ट्ज क्रिस्टल एंड वॉच इज़ ड्रिवन बाय द वाइब्रेशन प्रोड्यूस बाय द क्वार्ट्ज क्रिस्टल। यस, उस क्वार्ट्ज क्रिस्टल्स में जो वाइब्रेशंस होते हैं उन वाइब्रेशंस की मदद ली जाती है टाइम को मेज़र करने में या फिर सेकेंड के कांटे को रिवॉल्व करवाने में। सो अगर मैं बात करूँ एटॉमिक स्टैंडर्ड ऑफ द टाइम, एटॉमिक लेवल पे अगर हम बात करना चाहते हैं, हम बात करना चाहते हैं मेज़रमेंट ऑफ टाइम एट द माइक्रो सेकेंड्स, मेज़रमेंट ऑफ द टाइम एट द नैनो सेकेंड। नैनो सेकेंड इट मींस 10^-9 सेकेंड, इट मींस 1 सेकेंड का लगभग 100 करोड़वां हिस्सा। यस, 100 करोड़वां हिस्सा। इतने छोटे लेवल पर अगर मैं बात करना चाहता हूँ, इतने छोटे लेवल की अगर मैं मेज़रमेंट करना चाहता हूँ, तो वो सीधी सी बात है क्वार्ट्ज क्रिस्टल की वॉच से तो पॉसिबल नहीं हो पाएगा। हम हमारी कलाई पे जो घड़ी बांधते हैं या हमारे रूम में जो वॉल पे जो घड़ी टंगी हुई है, ऑब्वियसली उससे इतना छोटा मेज़रमेंट तो पॉसिबल नहीं हो सकता, क्योंकि उनसे सबसे छोटा जो मेज़रमेंट पॉसिबल हो पाता है वो होता है 1 सेकेंड, या 1 सेकेंड का कोई पार्ट आप मेज़र कर सकते हैं मैक्सिमम। बट इतना छोटे लेवल पर जाने के लिए हमें ज़रूरत होती है एटॉमिक वॉचेस की, एटॉमिक वॉचेस। सो मेज़रमेंट ऑफ टाइम यूजिंग एटॉमिक स्टैंडर्ड ऑफ टाइम ऑफर्स ट्रेमेंडस एक्यूरेसी। यस, इस तरह के मेज़रमेंट के लिए, एटॉमिक स्टैंडर्ड लेवल पर मेज़रमेंट के लिए हमें बहुत ज़्यादा एक्यूरेट वॉचेस की ज़रूरत होती है। दिस एटॉमिक स्टैंडर्ड ऑफ टाइम इज बेस्ड ऑन द पीरियोडिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वाइब्रेशन प्रोड्यूस्ड इन अ सीजियम एटम। यस, तो इस तरह के एक्यूरेट मेज़रमेंट के लिए, इस तरह के प्रिसाइज मेज़रमेंट के लिए जो आप बहुत छोटे लेवल पर करना चाहते हैं, कितने छोटे लेवल पर, लगभग 10^-9 सेकेंड लेवल पर, इतने छोटे लेवल पर आप मेज़रमेंट करना चाहते हैं, सो इस मेज़रमेंट के लिए आपको ज़रूरत होती है एटॉमिक वॉचेस की या एटॉमिक क्लॉक्स की। और इन एटॉमिक क्लॉक्स में जो इम्पॉर्टेंट मटेरियल होता है जिसकी वजह से ये अपना इतना एक्यूरेट ऑपरेशन या इतना प्रिसाइज ऑपरेशन परफॉर्म कर पाते हैं वो होता है सीजियम, सीजियम मटेरियल। ये जो सीजियम मटेरियल होता है ये भी एक तरह का वाइब्रेटिंग मटेरियल होता है, क्वार्ट्ज क्रिस्टल की तरह ये भी वाइब्रेट करता है। सो डेफिनेटली इसके वाइब्रेशन को कैलकुलेट करके ही एटॉमिक स्टैंडर्ड ऑफ द टाइम डिसाइड किया जाता है। सो दीज सीजियम एटॉमिक क्लॉक्स आर यूज्ड इन वेरियस कंट्रीज टू मेंटेन द नेशनल स्टैंडर्ड ऑफ टाइम। ठीक है, बहुत सारी कंट्रीज़ में एटॉमिक क्लॉक्स का यूज़ किया जाता है ताकि उनके नेशनल स्टैंडर्ड ऑफ टाइम को मेंटेन किया जा सके या फिर एक एक्यूरेट टाइम मेज़रमेंट दिया जा सके।
ये एक एग्जांपल है एटॉमिक वॉच का, ये आप सामने जो देख रहे हैं दिस इज़ अ एटॉमिक वॉच। ठीक है, आप देख सकते हैं काफ़ी बड़ी और काफ़ी कॉम्प्लेक्स ही नज़र आ रही है आपको। ठीक है, दिस इज़ एन एग्जांपल। इस तरह के ऐसे और भी बहुत सारे मॉडल हो सकते हैं, इसके बहुत सारे कॉन्फ़िगरेशन पॉसिबल हैं, बट ये बेसिकली होती है एक बहुत ही ज़्यादा एक्यूरेट, हाईली प्रिसाइज और बहुत ज़्यादा कॉस्टली एटॉमिक वॉच। सो सीजियम क्लॉक्स आर रेगुलेटेड बाय द वाइब्रेशन प्रोड्यूस बाय द सीजियम एटम। क्लियर, और कितना वाइब्रेशन आप देखें इसे, इन सीजियम एटॉमिक क्लॉक सेकंड इज डिफाइंड एज अ टाइम इंटरवल नीडेड टू कंप्लीट दिस फिगर। दिस फिगर इज 9,19,26,31,770। यस, 9,19,26,31,770 वाइब्रेशन जब सीजियम एटम के होंगे एक पर्टिकुलर दो लेवल पर। ठीक है, इन दो लेवल्स के बीच में जब 9,19,26,31,770 वाइब्रेशन ये अपने कंप्लीट करेगा, तब जाकर एक सेकंड होगा, तब जाके 1 सेकंड होगा। तो आप देखें अगर कोई पर्टिकुलर वॉच ऐसी है जो इसके एक एक वाइब्रेशन को कैलकुलेट कर पा रही है, इस एक एक वाइब्रेशन को कैलकुलेट कर पा रही है, तो डेफिनेटली ये वाइब्रेशन का अगर मैं ऑर्डर कैलकुलेट करूं तो आप डिजिट्स काउंट कीजिए, 3, 3, 6, 3, 9, 10। तो ये हो गया लगभग 10^-10 सेकेंड के लेवल का, इतना छोटा कैलकुलेशन पॉसिबल हो पा रहा है सीजियम एटॉमिक क्लॉक की मदद से। सो बहुत ही एक्यूरेट मेजरमेंट ये होता है सीजियम 133 एटम की मदद से। सो दीज क्लॉक्स आर वेरी एक्यूरेट एंड पोर्टेबल स्टैंडर्ड ऑफ टाइम। वी हैव सच क्लॉक्स इन नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी NPL न्यू दिल्ली। इंडिया में ये इस तरह की जो क्लॉक्स है वो न्यू दिल्ली में नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी, नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी जिसे NPL के नाम से भी जाना जाता है, जो नई दिल्ली में है, वहाँ पर ये इस तरह की क्लॉक्स अवेलेबल है। विच हैज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द मेंटेनेंस एंड इम्प्रूवमेंट्स ऑफ सेवरल फिजिकल स्टैंडर्ड विच इंक्लूड द टाइम एंड फ्रिक्वेंसी ऑल्सो। ठीक है, सो आई होप यू अंडरस्टैंड टूडेज लेक्चर, और आपको मज़ा आया होगा, आपने आज कुछ ज़रूर नया सीखा होगा। सो अगर आपको इसमें कोई डाउट है, कोई क्यूरीज है, तो यू कैन आस्क टू मी यूजिंग द व्हाट्सअप। इसके अलावा भी अगर कोई डाउट आता है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। और उसके पहले मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि इस लेक्चर को एटलीस्ट 2 से 3 बार ज़रूर देखिएगा, ताकि ऑटोमेटिकली आपके डाउट्स काफ़ी हद तक अपने लेवल पर ही क्लियर हो जाएँ। सो थैंक्स अगेन फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर। और आपने अगर इस लेक्चर को, इस चैनल को सॉरी, अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आपको सामने जो फेस आइकॉन दिख रहा है, प्लीज़ इस पर क्लिक कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि जो नए नए लेक्चर्स हैं आप तक जल्द से जल्द पहुंच सकें। थैंक्स अगेन।